नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ latest technology के साथ सभी brand की गाड़ियों की servicing होती है। टीना का घर बनाने का total समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। पश्चिम बंगाल में आज से द्वारे द्वारे सरकार अभियान का होने जा रहा है आगाज। बंगाल में भाजपा से मिल रही कड़ी टक्कर के बीच अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार लोगों को साधने के लिए 1 दिसंबर यानी आज मंगलवार से द्वारे द्वारे पश्चिम बंगो सरकार अभियान शुरू करने जा रही है। हाल ही में बांकुड़ा जिले के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक पूरे राज्य भर में अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। इस अभियान के तहत प्रशासन द्वारा पूरे राज्य भर में अगले 2 महीने तक सभी प्रखंडों में ग्राम पंचायतों एवं शहरी क्षेत्रों में नगर निगम व पालिकाओं के अधीन विभिन्न वार्डो में लगभग 20,000 शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई 11 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए पंजीकरण भी किया जाएगा। साथ ही द्वारे द्वारे सरकार अभियान के दौरान आयोजित शिविरों में लोगों द्वारा जिन कमियों तथा कठिनाइयों को उठाया जाएगा उनका अधिकारियों द्वारा तत्काल समाधान का प्रयास किया जाएगा। गवर्नमेंट का एक आउटरीच प्रोग्राम द्वारे सरकार दैट इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। ये प्रोग्राम 4 फेज में होगा। फर्स्ट फेज हम लोगों का 1 दिसंबर से 11 दिसंबर तक होगा। ये आउटरीच प्रोग्राम में स्पेसिफिक गवर्नमेंट सर्विसेज वो यहाँ टारगेटेड बेनिफिशियरीज को हम लोग दे सकते हैं। इतना दिन हम लोगों को ऑफिस में आके पब्लिक को एप्लीकेशन देना पड़ा था, ये बार हम लोग उन लोगों को कितने सामने जा सकते हैं, इतना नियर बाय देयर हाउसहोल्ड हम लोग रीच करना चाहते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिया है GP ऑफिस में और विच एवर इज़ अ कन्वीनियंट लोकेशन वहाँ और वार्ड में ये प्रोग्राम करने के लिए हम लोगों का आदेश है। वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। यहाँ जो जो स्कीम एंड सर्विसेज कवरेज होगा वो 11 स्पेसिफाइड है, बाकी भी इसके अलावा कुछ डिमांड्स पब्लिक को होगा। दे कैन अप्रोच द कंसर्न पर्सन देयर इन द कैंप। हम लोगों का स्वास्थ्य साथी विच इज़ नाउ एक्सटेंडेड, इट इज़ अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम विच इज़ एक्सटेंडेड टू एवरीवन। ये स्कीम का एप्लीकेशन यहाँ कर सकते हैं ऐक्यश्री, कृषक बंधु, MGNREGS का रिलेटेड कोनो बेनिफिट, कादशाती, कन्याश्री, रूपश्री, शिक्काश्री, कास्ट सर्टिफिकेट एंड देर इज ए पेंशन स्कीम जय जोहार एंड तपशिली बंधु। ये स्कीम छाड़ा RB विडो पेंशन और मैंने डिसेबिलिटी पेंशन, इसका भी कुछ लोगों का ज़रूरत पड़ेगा तो ये कैंप में वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों का सभी लाइन डिपार्टमेंट ऑफिसर्स विल बी देयर, उन लोगों का एप्लीकेशन लेना, ऑनलाइन में ही अनेक सर्विसेज पावा जाबे उसका करना, ये सभी हम लोगों का ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। द सेम डे इफ यू आर एबल टू डू दैट वी विल डू, अदरवाइज द नेक्स्ट डे विल बी गिवन टू देम इन द कैंप मोड में ही उन लोगों का सर्विस हम लोग देने का मैक्सिमम ये यहाँ हम लोग ट्राई करते हैं। फर्स्ट कल हम लोगों का 6 GPs में 1 म्यूनिसिपैलिटी वार्ड में हम लोगों का ये प्रोग्राम चालू हो रहा है। अलीपुरद्वार जिला तृणमूल कांग्रेस की नवगठित जिला कमेटी की बैठक आयोजित। अलीपुरद्वार जिला तृणमूल कांग्रेस के नवगठित जिला कमेटी की पहली बैठक सोमवार को आयोजित की गई थी। अलीपुरद्वार के रविन्द्र भवन में यह बैठक आयोजित हुई। हालांकि इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला कमेटी के दिग्गज नेता उपस्थित नहीं हुए, जिनमें चाय पत्ती के अन्यतम नेता तथा जिला परिषद के मेंटर एवं पूर्व जिलाध्यक्ष मोहन शर्मा, जिला उपाध्यक्ष असीम मजुमदार, पदम लामा, बाप्पा मजुमदार व प्रभात मुखर्जी शामिल है। इधर बैठक चलने के दौरान अचानक नाराज होकर जिला उपाध्यक्ष निरंजन दास बैठक से बाहर निकल गए। उनका आरोप है कि उन्हें अपमानित किया गया है। उनका कहना है कि पार्टी की स्थापना के समय से इस पार्टी को सब कुछ समर्पित कर दिया, लेकिन अब हर कदम पर अपमान के अलावा कुछ नहीं मिलता है।
हालांकि बैठक के अंत में जिलाध्यक्ष मृदुल गोस्वामी ने कहा कि बैठक में यह फैसला लिया गया कि निरंजन दास को दल विरोधी कार्यों के लिए सस्पेंड किया गया है। फलाकटा ब्लॉक के महासचिव संजय दत्ता भी बैठक को बीच में छोड़कर निकल गए। उन लोगों को जल्द ही कारण बताओ नोटिस भेजे जाने की बात जिलाध्यक्ष मृदुल गोस्वामी ने बताई है। যতদিন সকোজেল রিটার্ন না পাবো ততদিন দলের সমস্ত কর্মচারী থেকে তাদের অব্যাহতি দেওয়া। এরা একজন জেলার সহসভাপতি আর একজন ব্লকের সাধারণ সম্পাদক। যে ফালাকাটার সঞ্জয় দাস এবং আলিপুরদুয়ারের নিরঞ্জন দাস তাদেরকে দল এই মুহূর্তে সকোজ এবং সাসপেন্ড করছে। দল বিরোধী কার্যকলাপ ব্যাস আর কি ধরনের এটার সিদ্ধান্ত হয়েছে, রেজুলেশন হয়েছে। এর বেশি আর কিছু বলবো না, এটা জেলা কমিটির সিদ্ধান্ত। না না সেরকম দল বিরোধী কার্যকলাপের জন্য শোকজ করে সাসপেন্ড করেছি। দলকে ছোট করার জন্য বলিনি, আমি দলকে শ্রীবৃদ্ধি করার জন্য বলেছি। আমি দল যাতে আরো শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, দলের যাতে 2021 সালে যাতে দল ক্ষমতায় ফিরে আসে, তার জন্য আমি আমার বক্তব্য রাখতে দিয়েছিলাম। আমাকে যতটুকু বক্তব্য রাখতে দিয়েছে সেই বক্তব্যগুলো আমি রেখেছি এবং তার মধ্যে থেকে প্রচণ্ড বাধা। আপনি, আমি একজন জেলার নেতা, আমি বাংলার নেতা, আমি পশ্চিমবাংলার সম্পাদক ছিলাম, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সহসভাপতি ছিলাম রাজ্য, কিন্তু আমাকে বলতে হবে আপনি অঞ্চলের কথা বলতে পারবেন না, আপনি বুথের কথা বলতে পারবেন না, আপনি জেলার কথা বলুন। আমি তাকে বলেছি জেলা কি অঞ্চল, বুথ ছাড়া জেলা, অঞ্চল বুথ ছাড়া জেলা। আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, আমি আমার যারা অনুগামী আছে তাদের নিয়ে কথা বলছি, কথা বলি আমার এবার সিদ্ধান্ত দু একদিনে। देश में पिछले 16 दिनों में आई पांचवी बार 40,000 से कम केसेस। आज लगातार 24वें दिन कोरोना वायरस के 50,000 से कम नए मामले दर्ज किए गए और पिछले 16 दिनों में पांचवी बार 40,000 से कम केसेस रिपोर्ट किए गए। आज देश में कोरोना वायरस के 71,118 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में 482 लोगों की मृत्यु हुई। कोरोना मामले बढ़ने की यह संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं मौतों की संख्या दुनिया में पांचवें नंबर पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 94,62,810 हो गई है। वहीं अब तक 1,37,621 लोगों की मौतें हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 41,985 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब देश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 4,35,603 रह गई है। बता दें कि देश में पॉजिटिविटी रेट 7% है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केसेज, मृत्यु दर और रिकवरी रेट का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। राहत की बात है कि मृत्यु दर और एक्टिव केसेस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही भारत में रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसेस 20,000 से कम है और 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसेस 20,000 से ज्यादा है। फिलहाल देश में कोरोना वायरस से मृत्यु दर 1.46% है, जबकि रिकवरी रेट 93.68% रही है। प्रगति कॉलेज ऑफ एजुकेशन क्रिकेट अकादमी को आमतौर पर PCOE के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट अकादमी दिमागी संतान और ट्रस्ट द्वारा संचालित प्रगति एजुकेयर फाउंडेशन सिलीगुड़ी का उद्घाटन 29 नवंबर को भूतपूर्व सहायक सचिव SMKP मनोज वर्मा, संयोजक सिलीगुड़ी मौसी घोष, अब्दुल खालिक शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए ऑल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य अलग अलग, एबल्ड के लिए पश्चिम बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य और इंग्लैंड शारीरिक विकलांगता विश्व सीरीज चैंपियन 2019 के सदस्य क्रिकेट प्रेमी कल्याण संगठन के कन्वेनर कौशिक घोष के द्वारा उद्घाटन किया गया। उत्तर बंगाल के लंबे समय से महसूस की जा रही गुणवत्ता क्रिकेट प्रशिक्षण अकादमी को अकादमी के प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित क्रिकेट कोच पूरन छेत्री और रवि ठाकुर ने ट्रस्ट प्रगति एजुकेयर फाउंडेशन सिलीगुड़ी के सहयोग से शुरू किया गया है। अकादमी एक रणनीतिक क्षेत्र में स्थित है जो हिमालय की गोद में बसी हुई है और सुलभ भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र के लिए खेलने के अपने सपनों को पूरा करने के लिए अकादमी सिलीगुड़ी के एजुकेशन हब क्षेत्र में कला के युवा और महत्वाकांक्षी क्रिकेटरों को आकर्षित करती है। केंद्र सरकार की पहल, किसान संगठनों के नेताओं को आज बातचीत के लिए बुलाया। कृषि कानूनों के खिलाफ 5 दिन से दिल्ली सीमा पर डटे किसानों को सरकार ने आज दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में बातचीत के लिए बुलाया है। इससे पहले किसानों ने कहा कि वे निर्णायक लड़ाई के लिए आए हैं, अपने हक में फैसला लेने के बाद ही लौटेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के नेताओं को COVID-19 महामारी व सर्दी का हवाला देते हुए 3 दिसंबर की जगह मंगलवार को यानी आज बातचीत के लिए बुलाया है। गौरतलब है कि
हजारों किसान दिल्ली की सीमा पर पिछले 5 दिनों से धरने पर है। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ उनका यह धरना सोमवार से 5 दिन में प्रवेश कर गया। इस कानूनों के बारे में किसानों को आशंका है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो जाएगा। तोमर ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी एवं सर्दी को ध्यान में रखते हुए हमने किसान यूनियनों के नेताओं को 3 दिसंबर की बैठक से पहले ही चर्चा के लिए आने का न्योता दिया है। उन्होंने बताया कि अब यह बैठक 1 दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी के विज्ञान भवन में 2:00 PM बुलाई गई है। उन्होंने बताया कि 13 नवम्बर को ही बैठक में शामिल सभी किसान नेताओं को इस बार भी आमंत्रित किया गया है। 7 दिसंबर को उत्तर कन्या घेराव प्रचार पर उतरे उत्तर मालदा के सांसद खगेन मुर्मू। 7 दिसंबर को भाजपा सिलीगुड़ी के मिनी सचिवालय उत्तर कन्या घेराव अभियान चलाएगी। इसे लेकर उत्तर मालदा के भाजपा सांसद खगेन मुर्मू ने जोरदार प्रचार शुरू कर दिया। सुबह चाय पर चर्चा के माध्यम से उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में इसका प्रचार किया। उन्होंने ओल्ड मालदा ब्लॉक के शाहपुर ग्राम पंचायत के झंटू मोड़ इलाके में दलीय नेता कार्यकर्ताओं को लेकर इलाका वासियों के साथ राज्य की तृणमूल सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार व भाई भतीजेवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए चर्चा किया। उनके साथ ओल्ड मालदा पंचायत समिति के विरोधी दल नेता निताई मंडल, भाजपा जिलाध्यक्ष तापस गुप्ता, शाहपुर ग्राम पंचायत प्रधान उकल मंडल सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान सांसद तृणमूल कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता अपने हक से वंचित हो रही है, केंद्र सरकार से अनुमोदित रुपए लूटे जा रहे हैं। इस भ्रष्टाचार सरकार को हटाने के लिए सिलीगुड़ी में उत्तर कन्या घेराव अभियान भाजपा युवा मोर्चा द्वारा चलाया जाएगा। इसके समर्थन में सभा व दीवार लेखन किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस समस्त दिक থেকে মানুষকে বঞ্চিত করছে, বঞ্চনার প্রতিবাদে আগামী 7 তারিখ আমাদের বিজেপি যুব মোর্চা নেতৃত্বে আমাদের উত্তরকন্যা অভিযান আছে শিলিগুড়িতে। আমরা সেই অভিযানকে কেন্দ্র করে আমরা সর্বত্রই আমরা দেওয়াল লিখনের কাজ আমরা শুরু করেছি ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে, এবং ভারতীয় জনতা পার্টির যে আমাদের যে বিভিন্ন মোর্চাগুলি আছে সব মোর্চাগুলি তারা হচ্ছে তারা দেওয়াল লিখনের কাজটা করছেন এবং মানুষকে সংগঠিত করবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। আমরা চাই আমাদের পশ্চিমবাংলায় 2021 সালে যে এখানে নির্বাচন আছে সাধারণ বিধানসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনে আমরা একটা সুস্থ একটা পরিবেশ তৈরি করবার জন্য এবং দুর্নীতিমুক্ত একটা সরকার করার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির অনুকূলে ভোট দেওয়ার জন্য সমস্ত মানুষের কাছে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। এবং আজকে যেভাবে মানুষকে লুট করা হচ্ছে তাদের অধিকার থেকে, এবং কেন্দ্রীয় সরকারি সমস্ত প্রকল্পগুলো লুট করা হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারের যে প্রকল্প যা পশ্চিমবাংলার মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন, আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি এখানে রাগু হতে দিচ্ছেন, তিনি মানুষকে এইভাবেই বঞ্চিত করছেন। এই বঞ্চনার বিরুদ্ধেও আমাদের রাজ্য জুড়ে আমাদের প্রতিবাদ এবং আমাদের যে বিভিন্নভাবে মানুষকে সংগঠিত করবার যে আলোচনা সেগুলো আমাদের চলছে। এবং আমরা এই যে যখন আমরা রাস্তায় নামছি, মানুষের কাছে যাচ্ছি, মানুষকে নিয়ে যখন লড়াই সংগ্রাম করছি, তখন এই তৃণমূল কংগ্রেস এবং তার গুন্ডা বাহিনী তারা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা কর্মী তাদেরকে খুন করা হচ্ছে, নির্মমভাবে খুন করে তাদেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে এরা আত্মহত্যা করেছেন। তারা একটা হচ্ছে যে আত্মহত্যার তকমা তারা দিচ্ছেন, যখন তারা মানুষ থেকে বঞ্চিত, পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে, তখন তারা আরও মরিয়া হচ্ছে। তার প্রতিবাদে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি লড়াই করছি। আমরা অতীতেও ছিলাম, আজকেও আছি, ভবিষ্যতেও থাকবো, এবং 2021 সাল ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হবে। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायतीदा। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd Mile वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। मलाई कोल्ड कफ भएको थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरे, म एकदमै जाती हुँदैछु। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन उठ्यो पुरा, साइड पेन उठ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो लाग्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ, खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने, त्यो चाहिँ धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st Floor, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412।
SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ latest technology के साथ सभी brand की गाड़ियों की servicing होती है. 20 मिनट में ही car wash, in-house automatic color बनाने की मशीन इत्यादि. तो देर किस बात की, आज ही call कर appointment book कीजिए 9609933000. SGMG Automobiles, BSF Road, Salugada, Siliguri. 50-70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा. मौका है यही, बना लो इरादा. बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है. कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा. ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी. इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस. विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे. अप्लाई फॉर 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज. सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को. समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता. गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस, और क्या चाहिए दिल बहलाने को. कॉन्टेक्ट नंबर 9193208031, व्हाट्सएप कॉल 8388778788 फॉर कॉल. अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्रीश्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू. प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक. तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए श्रीश्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी. कॉन्टेक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000. बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है. रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिले सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम. बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जीन्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता. विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें. राजधानी गारमेंट्स, सेकंड फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी. कॉन्टेक्ट नंबर 8348888881 या 9324953328. के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है. एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है. सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं. हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है. सिक्किम हैथवे और एनएक्सटी डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और सीसीएन सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक एनएक्सटी डिजिटल में. तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है. बढ़ते हैं खबरों की तरफ. अमेरिका में मॉडर्ना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी, गंभीर मामलों में 100% प्रभावी होने का किया गया दावा. अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी मॉडर्ना ने सोमवार को एक बार फिर दावा किया कि शोध के ताजा आंकड़ों में उसकी वैक्सीन 94% से ज्यादा कारगर निकली है. इसका कोई गंभीर साइड इफेक्ट भी नहीं है. कंपनी जल्द ही अमेरिका और यूरोप में अपनी वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल के लिए अनुमति मांगने जा रहा है. मॉडर्ना का दावा है कि यह वैक्सीन सभी तरह के वर्गों और समूहों के लोगों में प्रभावी रही है. कई गंभीर मामलों में यह 100% तक कारगर रही है. उल्लेखनीय है कि फाइजर के बाद मॉडर्ना दूसरी अमेरिकी वैक्सीन है जो जल्द ही बाजार में उतरने की तैयारी में है. फाइजर ने करीब एक सप्ताह पहले आपात इस्तेमाल की इजाजत के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन से अनुमति मांगी है. इस साल के अंत तक मॉडर्ना 2 करोड़ डोज उपलब्ध कराने की तैयारी में है. वहीं अगले साल के अंत तक कंपनी 50 करोड़ से लेकर 1 अरब डोज बाजार में उपलब्ध करा देगी. मॉडर्ना ने अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के सहयोग से वैक्सीन विकसित की है. मॉडर्ना की वैक्सीन के परीक्षण में 30,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया है. पिछले सप्ताह आए विस्तृत नतीजों के अनुसार यह वैक्सीन 94% कारगर पाई गई. हालांकि कंपनी ने
16 नवंबर को अंतरिम आंकड़े जारी कर अपनी वैक्सीन के 94.5% कारगर होने की बात कही थी। दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस का संक्रमण और रोजाना मिल रहे 5 लाख कोरोना संक्रमित मरीज। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में अभी रोजाना औसतन 5 लाख मरीज मिल रहे हैं। इस तरह मौतों का आंकड़ा भी हजारों में है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में कुल मरीजों का आंकड़ा 6,27,79,645 हो गई है। संक्रमण के कारण अब तक कुल 14,60,049 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अमेरिका में रविवार को कुल 1,36,313 नए मामले रिपोर्ट किए गए, जबकि 818 मरीजों के इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। आंकड़ों के माने तो अमेरिका में पिछले 7 दिनों में रोजाना औसतन 1,62,007 मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं। 2 हफ्तों में पहले के आंकड़े की तुलना में 8% ज्यादा है। कॉलेज कर्मचारी धरना मंच को मिला भाजपा टीचर्स सेल का समर्थन। कॉलेज कर्मचारियों के धरना आंदोलन का समर्थन करते हुए भाजपा टीचर्स सेल के नेता भी आंदोलन मंच पर पहुंच गए। वेतन वृद्धि और स्थायीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 49 दिनों से जलपाईगुड़ी जिले के विभिन्न कॉलेज के अस्थायी कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। इस आंदोलन में लगभग 106 अस्थायी कर्मचारी शामिल है। पिछले 49 दिनों से आंदोलन चलाए जा रहे पश्चिम बंग कॉलेज कैजुअल एम्प्लॉयज समिति के सदस्यों का दावा है कि शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने उनकी मांग को न्यायोचित माना तो है, लेकिन मांग पूरी नहीं कर रहे हैं, इसलिए वे पिछले 49 दिनों से धरना दे रहे हैं। अब उनके अनशन मंच पर भाजपा टीचर्स सेल के प्रतिनिधि भी पहुंच चुके हैं। भाजपा टीचर्स सेल के कन्वेनर तनई दास ने कहा कि कॉलेज कर्मचारियों के आंदोलन को नैतिक तौर पर समर्थन करते हैं। जो सारा पश्चिमबंग राज्य विभिन्न कॉलेज अस्थायी कर्मी तर स्थायीकरण दाबी एक आंदोलन झड़ तुले ता अनशन मंचे 50 दिन हो गल तर आंदोलन नैतिक समर्थन दल आई दल नैतिक समर्थन नहीं आज के तर पशे एस तर आंदोलन के एक उज्जीवित करते अपनारा सबाई जान যে দুর্মূল্যের বাজার পশ্চিমবঙ্গে এমন একটা সরকার চলছে যারা বর্তমানে কোনো প্রাইস মানি কন্ট্রোল করতে পারছে না। আজকে তেলের দাম 150 টাকা, আলুর কেজি 50 টাকা, তাই একটা মানুষের সংসার কিভাবে চলবে এটাই হচ্ছে পশ্চিমবাংলার মানুষের ভাববার বিষয়। আর এই অস্থায়ী কর্মচারীদের দিয়ে কলেজ বিদ্যালয়ে বিভিন্নভাবে কাজ করে দীর্ঘদিন যাবৎ যে শোষণ বঞ্চনা করছে, যেটা তাদের ন্যূনতম মজুরি নীতিও মানছে না, এইটা আন্দোলনের যৌক্তিকতা আছে বলে আমরা শিক্ষক সংগঠন মনে করি। আজকে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ কাজল এমপ্লয়িজ সমিতি, জলপাইগুড়ি জেলা কমিটি আজকে অনশন মঞ্চে 49 দিন। আমাদের তো বিভিন্ন দাবি দাবা নিয়ে আমরা আগেও বলেছি যে আজকে থেকে প্রায় 5 বছর আগে থেকে আমরা আন্দোলন কর্মসূচি কিন্তু করছি, কিন্তু রাজ্যের সরকার বা রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর আমাদের কোনো সাড়া দিচ্ছে না। আমরা এই 49 দিনে আজকে লক্ষ্য করলাম যে হ্যাঁ, আমাদের নিয়ে ভাবনা চিন্তা একটু শুরু হয়েছে এবং আমাদের সামগ্রিকভাবে যে আজকে যে এখানে আপনারা দেখছেন যে বিজেপির শিক্ষার সেল আমাদের কাছে আসছে, আমরা যথেষ্ট কৃতজ্ঞ। তার কারণ আমাদের এই 49 দিন এই মঞ্চে আমরা অনশনরত, শাসক দলের কিন্তু কেউ এখন পর্যন্ত আমাদের সাথে দেখা করে নাই, কিন্তু বিভিন্ন সংগঠন যেমন সিআইটিউ, সিপিআইএম এবং আমাদের কংগ্রেসের আমাদের আসছিলেন হচ্ছে দেবপ্রসাদ রায়, জলপাইগুড়ির একজন বিশিষ্ট নেতা, ওনারা আসছিলেন এবং সিপিআইএমএল থেকেও আমাদের এখানে আসছিলেন। আজকে বিজেপির শিক্ষা সেল আমাদের এখানে আসছেন, আমরা যথেষ্ট তাদের সম্মান জানিয়ে এখানে বসিয়েছি। পশ্চিম বাংলায় করোনা ভাইরাস কে 2671 নয় মামলে সামনে আর 48 মরিজো কি হুই মৌতে। पश्चिम बंगाल में सोमवार को भी कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2671 नए मामले तथा 48 लोगों की मृत्यु हुई। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,83,484 हो गई है, जिनमें से 24,298 एक्टिव केस है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 8,424 हो गई है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में 2,730 मरीजों के स्वस्थ होने से ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,50,762 हो चुकी है। इसी के साथ राज्य में रिकवरी रेट बढ़कर 93.23% हो गई है। तृणमूल कांग्रेस समर्थित शिक्षक संगठन ने शुरू किया घर घर जाकर पढ़ाने का काम। कोरोना संकट के कारण अभी तक विद्यालय नहीं खुले हैं, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई में काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है।
इसी को ध्यान में रखकर पश्चिम बंगाल तृणमूल प्राथमिक शिक्षा समिति ने अब घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया है। इसी के तहत तृणमूल कांग्रेस प्राथमिक शिक्षा संगठन उत्तर दिनाजपुर जिला कमेटी ने इस अभिनव कार्यक्रम की शुरुआत की है और इस कार्यक्रम का नाम चोलून मास्टर मोसाई घुरी बारी बारी। इसके तहत शिक्षक विद्यार्थियों के घर घर पहुंचेंगे, शहर की गलियों से लेकर गांव गांव तक जाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके साथ ही उनको कॉपी कलम और पाठ्य सामग्री भी दिया जाएगा। इसके अलावा शिक्षक लोगों से सरकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी देंगे और यहां भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनको राज्य सरकार की तरफ से जो विभिन्न योजनाएं शुरू की गई है उसका लाभ मिल रहा है या नहीं। शिक्षकों की इस पहल का चौतरफा स्वागत किया जा रहा है। আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং আমাদের সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অশোক গুপ্তের মহাশয় নির্দেশ মতো আমাদের শিক্ষক সংগঠন যে দায়িত্ব নিয়েছে যে চলুন মাস্টারমশাই ঘুরি বাড়ি বাড়ি, সেই বাড়ি বাড়ি ঘোরার প্রোগ্রামটা কেন, কারণ বাচ্চারা অনেকদিন ধরে স্কুলে যেতে পারছে না, তারা কেমন রয়েছে, তাদের খাতা কলমের অসুবিধা রয়েছে কিনা সেটা দেখা, পড়াশোনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা, তার পাশাপাশি রাজ্য সরকারের যে প্রচুর প্রকল্পগুলো রয়েছে মানুষ সাধারণ মানুষ জানে না, এরকম স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড রয়েছে 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং বিনা পয়সায় সব মানুষকে বলতে পারে, এবং তার পাশাপাশি সারা জীবন চাল রেশন ব্যবস্থা সারা জীবন ফ্রিতে দেওয়া, তাছাড়া পড়াশোনার জন্য বিনা পয়সায় খরচ না করে পরে প্রচুর পড়াশোনার জন্য সামগ্রী এবং নিজ গৃহ নিজ ভূমি থেকে শুরু করে শিশু আলয় থেকে শুরু করে অনেক প্রকল্প তৈরি করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের, এগুলো প্রচারের জন্য আমরা বেরিয়ে পড়েছি। কে আমরা আমরা কমলটকি যে 14 নম্বর ওয়ার্ড রায়গঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির এই ওয়ার্ডটাতে দিলাম, বস্তি এলাকায় দিলাম, এবং বস্তি এলাকায় এখানে খাতা কলম চকলেট এগুলো তো দেওয়া হলো আর মানুষকে জানানো হলো, তারা যেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রকল্পগুলো সুবিধাগুলো যেন তারা নেয়, অসুবিধা হলে আমরা তাদেরকে সাহায্য করব। আজকে লিয়ে বাস ইতনা হি, অর বিস্তারিত খবরকে দেখতে রইয়ে এসকে লাইভ, আপনার সময় আপনি খবর, ধন্যবাদ।